हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम आपके सामने हाजिर है। नाम है उसका ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। तो ये एक ऐसा शेयर है जिसको आप काफ़ी लंबे वक्त के लिए भी होल्ड करके रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन सवाल यह है कि इसको किस कीमत पे खरीदना बेहतर होगा। अभी जो 955 रुपीज़ का जो इसका प्राइस चल रहा है लास्ट सर्किट में भी, इसमें तकरीबन 18 से 19 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इस प्राइस में इसको खरीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर थोड़ा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रेफाइट इंडिया की अगर बात की जाए तो जो इसका प्रीवियस क्लोज था वो 974 था। जब ये ओपन ही हुआ तब 975 पे ओपन हुआ था। हाई उसने बस जो जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था वही उसने हाई बनाया था 975। उसके बाद इसमें कॉन्स्टेंटली गिरावट आई हुई है। आप यहाँ पे चार्ट में ही देख सकते हैं कि पूरा की पूरी की तरह से ये शेयर गिरा हुआ था। ठीक है, उस दिन 952 का इसने लो बनाया था और एंड ऑफ द डे 955 रुपीज़ पे ये क्लोज हुआ था। ठीक है, और अगर पिछले एक हफ्ते का अगर मैं इसका डेटा निकालूं तो जो डेटा है उसमें 3% की गिरावट है। 3% लो बनाया है 954 जो उसके आसपास ही है अभी, और हाई हुआ था 984। अगर पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में 5% से भी ज़्यादा गिरावट है, और इस 5% की गिरावट में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। 922 का लो बना है और 1009 रुपये का हाई बना है। देख सकते हैं आप, बाद में काफ़ी गिरावट आई 92। बाद में इसने रिकवर करने की कोशिश की, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर रिकवर हुआ, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, और अभी फिर से गिरावट चल ही रही है। पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो ये देश शेयर बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट आपका पैसा इसने डबल किया हुआ है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डबल है। 64% 65% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। 553 रुपीज़ का इसने लो बनाया है और 1106 रुपये का हाई, मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल आप कह सकते हैं। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 3 साल में उसने 1180 गुना रिटर्न दिया है। 1180, 3 साल पहले, 3 साल पहले भी नहीं, अगर हम देखें तो सिर्फ 2017 की बात करें, 2 साल पहले की बात करें तो 2 साल में ये शेयर 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। 2017 में ये 100 रुपये से भी कम में ट्रेड कर रहा था, 72-73 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन 2017 के बाद इसमें भयंकर तेजी देखने को मिली और ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है 950 रुपये पे। ठीक है, और अगर पिछले 10 साल की मैं बात करूं तो 10 साल में 2700% इसने रिटर्न दिया है। आप देखेंगे कि पूरा फ्लैट रहा है। ठीक है, फ्लैट रहा है पूरा, आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बाद में जो बढ़िया रिटर्न इसने दिया है वो चार्ट आप देख लीजिए। लास्ट 3 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो काफी गजब का रिटर्न है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 18,650 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप स्टॉक है ये, और इसका वॉल्यूम ट्रेड अगर NSE में 2,55,000 के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए, क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो नेट सेल की अगर बात की जाए तो 13% का ग्रोथ है, 13% का ग्रोथ। और उसमें भी 2017 में सिर्फ 462 करोड़ का जो नेट सेल था वो जून 2018 में 1,780 करोड़ के आसपास का रहा, लेकिन सितंबर 2018 में 2,000 करोड़ के आसपास रहा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 5.15% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, हालांकि प्रॉफिट मार्जिन में 5% की गिरावट है। लेकिन अगर मैं इसको सितंबर 2017 से सितंबर 2018 में कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400% का ग्रोथ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 400% का ग्रोथ यहाँ पे नेट सेल में देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 400% से भी ज़्यादा, ज़्यादा 1,000% का ग्रोथ शायद देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट में भी 1,000% का ग्रोथ मुझे दिख रहा है। जो
90 करोड़ था नेट प्रॉफिट 2017 में, वो 900 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 28.36% का जो प्रॉफिट मार्जिन था, ठीक है, वो सीधा 68% पे पहुंच चुका है। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। और यहाँ पे अगर मैं इनके शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास 64.27% की होल्डिंग है, FIIs के पास 8.31% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.27% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.88% की होल्डिंग है। आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग घटाई है, लेकिन FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। इसमें नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें तो 18.35% की होल्डिंग उनके पास। और सबसे अच्छी बात, प्रमोटर्स ने अपने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। प्लेस प्रमोटर होल्डिंग नन है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रिजल्ट काफी बढ़िया, शेयर एक भी गिरवी नहीं है। 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया, 189 FIIs ने अपना पैसा लगाया हुआ है इस पे। और डिविडेंड देखिए, 1000% का डिविडेंड आपको पे कर रहा है। स्प्लिट रेशियो है 2:10 का स्प्लिट रेशियो है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और अगर मैं इसका मनी कंट्रोल पे जाऊं तो 70% लोग बाय के लिए बोल रहे हैं, 20% लोग सेल के लिए बोल रहे हैं, 10% लोग इसमें होल्ड के लिए बोल रहे हैं। पी रेशियो 6.28, जबकि इंडस्ट्री पी का रेशियो है 18.06 है। ईपीएस 151 का ईपीएस दे रहा है, बुक वैल्यू है 139.82, प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.83। डिलीवरीज देखिए, 58% की डिलीवरीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर मैं निकालूं तो कंपनी के ऊपर कर्जा है 195 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर, 155। और असेट्स उनके पास है 2,750 करोड़ के, इनके पास टोटल असेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे काफी बढ़िया स्टॉक लग रहा है, लेकिन चीज़ें वही है कि किस कीमत पे खरीदना सही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये आपको 900 रुपये, 850 से 900 के बीच में अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। आपको इसमें खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। हाल फिलहाल में थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इलेक्शन टाइम जो चल रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि इसके प्राइस में हल्की सी गिरावट जरूर आएगी, और शायद उस टाइम पे आपके लिए काफी बेहतर होगा कि आप उस टाइम पे ये शेयर खरीदें। अगर आपको 850 से 900 रुपये के अगर आप बीच में आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके बैठेंगे, और आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो अगर आप इसको खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोच करिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।